करीब 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अलवर जिले का ड्रीम प्रोजेक्ट मिनी सचिवालय का कार्य अंतिम दौरे में है। सचिवालय के एक भवन का काम पूरा हो चुका है। 3 दिन बाद यानी 20 फरवरी तक इसमें कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिफ्ट होंगे। ऐसे में जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया और एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारी पिछले कुछ दिनों से लगातार मिनी सचिवालय में जल्द से जल्द शिफ्टिंग हो इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तहसील परिसर से पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। मिनी सचिवालय के प्रशासनिक भवन में कुल 419 कमरे हैं, 2 मंजिल अंडरग्राउंड पार्किंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से यह भवन लैस है। जिला कलेक्टर का कहना था कि इस मिनी सचिवालय का उद्घाटन सीएम सहित अन्य बड़े नेताओं से किया जाना प्रस्तावित है। मिनी सचिवालय अलवर के लिए बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2011 से चल रहा है, यहाँ प्रयास करके बजट प्राप्त किया है। अब इसकी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। थर्ड फ्लोर पर एक्चुअली फिनिशिंग का काम बाकी है। हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के आवंटन कर दिया है। थर्ड फ्लोर अभी हमारा बाकी है। हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हम इसको शिफ्ट करें, पर इसमें यह है कि एक्चुअली इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन कराना माननीय मुख्यमंत्री या जनप्रति जो भी यहाँ के माननीय मंत्री जी या भंवर जितेंद्र सिंह जी जिसको ठीक समझें, उद्घाटन होगा इसका। उद्घाटन के बाद में हम इसमें करेंगे, तब तक हम बाकी